विजेताओं को शिक्षा देते हैं। कहते हैं कि मैं हरे कृष्ण, तो कहाँ चल रहा था, प्रचेताओं को भगवान शंकर मिले, शंकर जी अब उनको शिक्षा देंगे। शंकर जी कहते हैं कि मैं भगवान कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इन चारों के रूप में भगवान शंकर उन्हें प्रणाम करते हैं। भगवान वासुदेव मेरे चित्त को शांत रखें। कौन प्रार्थना कर रहा है, शंकर जी किसके, कृष्ण। कहते भगवान वासुदेव मेरे चित्त को शांत रखें, भगवान संकर्षण मेरे अहंकार को शांत रखें, और भगवान प्रद्युम्न मेरी बुद्धि को भक्ति में लगाएं, भगवान अनिरुद्ध मेरे मन को अपने चरणों में लगाएं। इस तरीके से भगवान शंकर प्रार्थना करते हैं। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन करते हैं, दर्शनम नो दिदृक्षूनम देही भागवतार्चितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजन। मैं भगवान के उस रूप के दर्शन करने की आशा रखता हूं जो भगवान के भक्तों को पसंद है, प्रिय है। आप भगवान के भक्तों जिस रूप को पसंद करते हैं, मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। उस रूप को देखने के बाद इंद्रिय भोग की कोई इच्छा रह ही नहीं जाती। भगवान रूपों समस्त गुण की खान है ना, उनसे ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटी, कैसे कहेंगे हिंदी में, स्निग्ध प्रावृत घन श्यामम। कैसा रूप भगवान का, घन श्याम, सर्व सौंदर्य संग्रहम, सारे सौंदर्य का संग्रह है ना। चार आयत चतुर बाहु, कितनी भुजाएं, चार। सुजात रुचिराणम, और उनका फेस कैसा है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, रुचिराणम। पद्म कोश पलाक्षक, आंखें कैसी हैं, कमल की पंखुड़ी के जैसी। सुंदर भ्रू सुनाशिकम, भ्रू माने आईब्रोज कैसी हैं, बहुत सुंदर हैं, और नाक कैसी, बिल्कुल सुडौल है, बिल्कुल एकदम लाइव टेलीकास्ट दे रहे हैं शंकर जी, है ना। सुद्विजम सुकोपलाशयम समकर्ण विभूषणम, दांत बिल्कुल एक लाइन से है, प्रॉपर है ना। वो जैस्मिन फ्लावर होता है ना छोटा सा, उसकी एक पंक्ति जो बनती है एक लाइन से, छोटी छोटी सी बर्ड्स उसको एक लाइन से, वैसे भगवान के दांत सुंदर है। इन सब चीजों से भगवान की तुलना भक्त करते हैं, क्योंकि अब इससे और अच्छा कुछ मिल नहीं रहा है, तो जो सबसे बेस्ट उन्हें लगता है उसको बताते हैं। पर ये तुलना बस है, कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल उससे कई लाखों करोड़ों गुना सुंदर भगवान है। जिसके दिन भगवान कमल नेत्र, तब कमल से सॉफ्ट और क्या है, और सुंदर कुछ नहीं संसार में, है ना। इसलिए कमल से तुलना करी जाती है ना, इसलिए कमल से तुलना कर देते हैं। समकर्ण विभूषणम, और कान बिल्कुल प्रॉपरली प्रोपोर्शन में है, सम है, ऐसे नहीं कुछ टेढ़ा में, सुंदर कान है भगवान के। और भगवान की जो सुंदरता है
वो एकदम से बढ़ती रहती है। नव यौवनम, उनका जो यौवन है, जो सुंदरता है वो रोज बढ़ती है और हमारी सुंदरता रोज घटती है। इसलिए हम पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, कितना पुराना मॉडल हो तुम। तो आगे भगवान, आगे शंकर जी कहते हैं प्रीति प्रहसिता पांगम अलकई रूप शोभितम लसत पंकज किंग जलक दुकूलम मृष्ट कुंडलम। भगवान की जो दृष्टि है वो बहुत स्नेहमयी है। भगवान कैसे देखते हैं? स्नेह के साथ। और जो उनकी सुंदरता है वो उनके घुंघराले बालों से और ज्यादा बढ़ रही है। और उनकी जो कपड़े हैं चमकदार हैं बिल्कुल, है ना, पीतांबर। और क्या है, जो उनकी इयररिंग्स हैं वैसे मकर आकृति की इयररिंग्स जैसे शाइनिंग मारती रहती है, है ना। तो हमने दामोदर अष्टकम में सुना था इयररिंग सबसे ज्यादा भगवान के जो कुंडल हैं लसत कुंडलम, जो कुंडल है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है क्योंकि वो हमेशा भगवान के गालों को चूमते रहते हैं। इतना सौभाग्य और किसे मिल रहा है? गोपी कहती हमें नहीं मिल रहा इतना सौभाग्य। बांसुरी को कहती है कि वो हमेशा भगवान के अधरों पे चिपकी रहती है, हमें सौभाग्य नहीं मिल रहा है। तो उनको बांसुरी से चिड़ उठती है ना। गोपियां बांसुरी को कोसती हैं ऐसे कैसे। तो बांसुरी कहती है इतना आसान नहीं है भगवान के अधरों तक पहुंचना। पहले तो मैंने अपने परिवार को छोड़ा, पहली कंडीशन क्या, पहले परिवार को छोड़ा। क्या बांसुरी बांस का परिवार है, सब छोड़ के आई ना। फिर छह होल होते हैं, है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर छह, इनको निकालो, आसान नहीं है। तो भगवान के कुंडल सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। स्फुरत किरीट वलया हार नुपुर मेखलम शंख चक्र गदा पद्म माला मणि उत्तम अर्धा धीमत। किरीट वलया, भगवान का किरीट माने होता है मुकुट, वलया माने ब्रेसलेट। भगवान को सज धस के निकलते हैं मुकुट उकुट पूरा ब्रेसलेट वगैरह पहन के। हार नुपुर मेखलम है, और एक हार है नेकलेस, बढ़िया। और मेखलम, कमर में एक बेल्ट भी लगाए हैं, पैरों में पायल भी है, एंकलेट्स, है ना। शंख चक्र गदा पद्म, चार उनके हाथों में सुशोभित हो रहे शंख चक्र गदा पद्म। माला मणि उत्तमरा धीमत, और उनकी माला सुंदर मोतियों की बनी हुई है। आगे सिंह स्कंद तिजो विभ्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम श्रियाना पाइना क्षिप्त निकषाश मोर उल्लसत। भगवान के कंधे जैसे सिंह के कंधे होते हैं ना चौड़े एकदम से, वैसा चौड़े सीना है। और कौस्तुभ मणि भगवान के ग्रीवा में शोभित हो रही है, और सीने पे श्रीवत्स लक्ष्मी जी का चिन्ह है जो भगवान की सुंदरता है। इसका कौन वर्णन कर रहा है? रुद्र, शंकर जी ना, कहीं हम भूल जाएं। पूर रेचक संविघ्न वाली वल्गु दलोदरम प्रतिक शंकर शमयाद विश्वम नाभायावर्त गभीरया। भगवान के पेट पे जो लाइनें हैं कितना पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि भगवान का रूप नहीं, इतना सब तो भागवतम में वर्णन आ रहा है, लोग कहते हैं भगवान का रूप नहीं, बिल्कुल क्लियर सब तो बता रहे हैं, कह रहे हैं। और कोई नहीं, शंकर जी बता रहे हैं, इससे बड़ा अथॉरिटी और क्या चाहिए। कह रहे हैं कि जैसे बरगद की पत्ती
भक्ति होती है ना, उस तरह से भगवान के पेट पे लाइनें हैं, और वो लाइनें जब भगवान सांस लेते हैं तो वो यूं यूं करके मूव होती है। पूरा एक्सप्लेनेशन है ना। तो इसी नाभि से सब ब्रह्मा जी निकले हैं, ब्रह्मांड निकला है सब, और वो इच्छा रखते हैं कि इसमें वापस जाएं, है ना। श्याम श्रोणि अधिरोचिष्णु दुकूल सव सुवर्ण मेखलम समचार अंग्रि जंघोरु निम्न जानु सुदर्शन। ऊपर से आ रहे थे, अब भगवान के ब्लैक हिप्स पीले रंग के कपड़े से कवर किए हुए और एक ऊपर से बेल्ट लगाए हुए, उसके बाद भगवान की जंघाएं बिल्कुल सिमेट्रिकल ऑर्डर में प्रॉपरली शेप्ड है ना, और घुटने सुंदर, और भगवान के पैर, ठीक है। इस तरीके से भगवान शंकर ने भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन किया, और अब पूरा दर्शन किया। अब भगवान के चरणों के बारे में बताते हैं कि आपके दो मेरा नहीं है तो भगवान कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर, हृदय में जो अंधकार है भगवान के नाखूनों से निकलने वाला प्रकाश हमारे हृदय के अंधकार को क्या करता है, नष्ट कर रहा है, दूर कर रहा है। हे भगवान, आप हम पर कृपा करें और आप अपने इस रूप को हमें दिखाएं, दर्शन दें। पदा शरद पद्म पलाश रोचिषा नख द्युभिर नो अंतर अंगम विभूनवता प्रदर्श्य श्रीयम अपास्त साध्वस्वम पद्म गुरु मार्ग गुरुस्तमोजुषम। आप जगत गुरु हैं, हमें आप भक्ति का रास्ता दिखाएं और अंधकार से हमें बाहर निकालें। एतद रूपम अनुधेयम आत्मशुद्धि अभिप्सताम यद भक्ति योगो अभ्यदा स्वधर्मम अनुतिष्ठिनम। जो भी इस रूप पे ध्यान लगाएगा उसको भौतिक जगत के भय से मुक्ति मिलेगी, मृत्यु से मुक्ति मिलेगी, वर्णाश्रम के सब झंझट से मुक्ति मिलेगी, और भगवान के चरण कमलों की भक्ति मिलेगी, ठीक है। आगे कौन बोल रहे, याद है ना। भगवान भक्ति मता लभयो दुर्लभ सर्व देहिनाम स्वराज्य श्यापि अभिमत एकांतनात्म विदगति। अभी रूप का वर्णन किया, अब कहते हैं कि भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। आप भगवान भक्ति मता लभयो, आप अपने भक्तों को तो बड़े आसानी से मिल जाते हो, है ना, और लोगों को बड़ी मुश्किल से मिलते हो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जो भक्त है, और लोगों से मतलब जो दूसरे रास्ते अपनाए हैं, कुछ लोग कहते हैं ना कोई भी रास्ता अपनाओ जाते सब एक ही जगह है। ऐसे कैसे जाते हैं, जब प्रभुपाद जी कहते कोई भी टिकट ले लो सब एक ही जगह जाते हैं, ऐसे कैसे, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, कहां जाना, दिल्ली, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ, ऐसे कैसे बैठ जाओ। तो और लोगों को बहुत मुश्किल से मिलते हो आप, यहां तक कि इंद्र और ब्रह्मा आपकी इच्छा रखते हैं कि आपकी भक्ति मिले, और कुमारों के भी आप स्वामी हो, है ना, सब लोग आपको ही ढूंढ रहे हैं, पर आप किसको मिल जाते हो बड़ी आसानी से, भगवान भक्ति मता लभे, आप अपने भक्तों को बड़े आसानी से मिल जाते।
तम दुराध्याम आराध्य सताम अपि दुरापया एकांत भक्त्या को वांछित पाद मूलम बिना भाई आप ताम दुरालभ्यम आपकी वर्षिप पूजा करना कठिन है किसके लिए बड़े बड़े योगियों के लिए है ना जो मुक्त आत्मा है सताम अपि मुक्त आत्माओं के लिए भी बहुत मुश्किल है आपकी पूजा करना आराध्य लेकिन जो शुद्ध भक्त है उनके लिए क्या है आसान है इसलिए ऐसा कौन होगा जो आपकी भक्ति छोड़ के स्वर्ग जाना चाहेगा कौन मूर्ख होगा ऐसा जब आप भक्ति करने से बिल्कुल आसानी से मिल रहे हो तो कौन रखेगा इच्छा कि मुझे स्वर्ग जाना है और कहते हैं कि जो ये समय है जिसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता उस व्यक्ति को समय का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा जिसने आपके चरणों की शरण ली है यत्र निर्विष्टम अरणम कृतांतो नाभिमन्यते समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ता प्रथम स्कंद में भी आता है कि हर सूर्योदय और हर सूर्यास्त के साथ हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं एक सूर्योदय होता है हम मृत्यु की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हैं एक सूर्यास्त होता है हम मृत्यु की तरफ एक कदम आगे बढ़ जाते हैं हर एक दिन इस तरीके से हमें मृत्यु की तरफ ले जा रहा है पतन की तरफ ले जा रहा है अगर पाप किए हैं तो नरक की तरफ ले जा रहा है लेकिन जो भगवान का भक्त है जो श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है वो इस समय के प्रभाव से बच जाता है उसके लिए समय कुछ नहीं करता समय पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ उसको सिर्फ अपनी आईब्रो घुमाना है आईब्रो के बार बार श्लोक आ रहे हैं आईब्रो घुमा के पूरा दुनिया खत्म हो जाती है यत्र निर्विष्टम अरणम कृतांतो नाभिमन्यते विश्वम विध्वंस वीर्या शौर विस्फुर्जित भ्रुवा खाली भ्रुवा भ्रुव आईब्रो घुमाने से सारा संसार नष्ट हो जाता है लेकिन यही समय काल मृत्यु को भी काल कहते ना ये काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ता जिसने आपके चरणों का सहारा लिया हुआ है कस के पकड़े में क्षणार धेनापि तुलयेन स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मृत्यानाम किम उत्साशिशः आधे क्षण का है ना क्षणार्धेनापि तुलये आधा मोमेंट का संग हमें मुक्ति तक ले जा सकता है कर्म ज्ञान इन सबसे ऊपर सिर्फ आधे सेकंड के लिए अगर हमें भक्त का संग मिल जाए तो हमारा कल्याण हो सकता है इस तरीके से जो भगवान की प्रार्थना करता है उसको भगवान का कहीं भगवान के भक्तों का संग मिलेगा तो भगवान शंकर आगे कहते हैं कि इसलिए अभी ध्रुव ने क्या मांगा था भक्तों का संग अब भगवान शंकर क्या मांग रहे हैं देखिए अथानंघांग्रेष्ठ कीर्ति तीर्थयोर अंतर बहिस्नान विधूत प्राप्मानं ये श्लोक कई बार आता है इस तरह की बात कि गंगा में स्नान करने से आदमी शुद्ध होता है होता है कि नहीं गंगा में स्नान करने से शुद्ध होता है पर इसमें समय लगता है लेकिन भक्त के संग में जाने से तुरंत शुद्ध हो जाता है भगवान शंकर बोल रहे हैं खुद गंगा को धारण करते हैं अपनी जटा में और क्या इच्छा रखते हैं
कि हमें कह रहे हैं कि भगवान इसलिए आप हमें आपके भक्तों का संग दो, क्यों? क्योंकि आपके भक्तों के संग में जाने से एकदम से शुद्ध हो जाता है। आपके भक्त कैसे हैं? भूतेश्व अनुक्रोश सुसत्वशीलनम स्यात संगम अनुग्रह एष नस्त्वा। आपके भक्त, पहले तो आपके भक्तों में ये शक्ति है कि वो अशुद्ध करते हैं, और दूसरा वो कैसे हैं? दयालु बड़े होते हैं। आपके भक्त कैसे होते हैं? दयालु बहुत होते और सुसत्वशीलनम, उनका व्यवहार बिल्कुल अच्छा होता है, है ना? और उनका हृदय भी निर्मल होता है, उनके हृदय में कोई गंदगी नहीं होती। इसलिए कहते हैं स्यात संगमो अनुग्रह एष नस्तवा। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। जनरली जब हम लोग मंदिर जाते हैं क्या कहते हैं? भगवान कृपा करो, कृपा करो मुँह पे, कृपा करो मेरे के बिहारी मुँह पे, सुनेंगे सब लोग क्या कहते हैं? भगवान कृपा करो, भगवान दया करो, भगवान कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, भगवान आपकी कृपा चाहिए, ये तो कहते हैं। तो शंकर जी क्या कह रहे हैं कि ऐसे भक्तों का अगर मुझे संग मिल जाए तो इससे बढ़कर आपकी और क्या कृपा हमें चाहिए। यही बात आ रही है घूम फिर के। पृथु ने भी कुमार पृथु महाराज के चैप्टर में पृथु महाराज को उपदेश देने चार कुमार आते हैं, है ना? तो उन चारों कुमारों से पृथु महाराज ने भी यही मांगा है कि भक्तों का संग चाहिए। ध्रुव ने भगवान से क्या मांगा? भक्तों का संग चाहिए। आप समझ रहे हैं? ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं मांग रहे हैं, ये वो लोग मांग रहे हैं जो ऑलरेडी भगवान से बात कर रहे हैं, फिर भी क्या मांग रहे हैं? भक्तों का संग मांग रहे हैं। और शंकर जी से बढ़ के और क्या बोले? वैष्णव नाम या तो शंभु, आपको और क्या संग चाहिए? लेकिन वो भी कह रहे हैं कि अगर मुझे ऐसे भक्तों का संग मिल जाए आपके, तो फिर और क्या, इससे बड़ा और क्या कृपा? स्यात संगमो अनुग्रह, इससे बढ़कर और क्या कृपा हो सकती है आपकी? मतलब अगर कृष्ण की कृपा किसी पर सबसे ज्यादा हुई है तो वो जिसको भक्त संग मिला है। इसलिए अब हमें समझना है कि अगर हमें कोई भक्त फोन करके पूछता है प्रभु जी गीता पढ़ रहे क्या, प्रभु जी प्रोग्राम में आ रहे क्या, तो ये कृष्ण कृपा है। 7.5 बिलियन प्रभु जी, 7.5 बिलियन पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, इतने लोगों में कितनों को ये कॉल जाती है कि हरे कृष्ण जप किया क्या? कितनों को ये फोन जाता है? कितनों को सुबह सुबह मैसेज आता है कि कृष्ण का नाम लो? सन्नाटा कैसा है भाई, है कि नहीं? तो कृष्ण शंकर जी समझा रहे हैं कि संग मिल गया और क्या चाहिए। सबसे बड़ी कृपा क्या है? भगवान के भक्तों का संग मिल जाए। इसलिए जब भी हमें हम मंदिर जाएं कहीं भी जाएं क्या प्रार्थना करनी चाहिए? जो ये सब बड़े बड़े वैष्णव कर रहे हैं कि भगवान भक्तों के संग में रखो, भक्ति सिद्धांत। सरस्वती ठाकुर गोस्वामी श्री प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे तुम्हें मारा जाए, पीटा जाए, इतना अपमान किया जाए, क्या क्या ना तुम्हारे साथ हो, लेकिन भक्तों का संग मत छोड़ो। जो भक्तों का संग छोड़ा, जंगल में किसी ने डिस्कवरी चैनल देखा क्या? उसमें झुंड में जाते हैं जानवर, और दूसरा जानवर जो उसमें उनको मारना चाहता है वो ऐसी स्ट्रेटजी करता है कि एक अलग हो जाए और जो अलग होता है उसको घेर लेते हैं। इस तरह से भक्त लोग संग में बैठ के जपा कर रहे होते हैं, कृष्ण कथा कर रहे होते हैं, तो माया का घंटी बजता है एंड्रॉइड में, उसको देखता है, संग से बाहर जाता है और माया, अरे कृष्ण, ऐसे ही होता है।
अब ऐसे तो माया आ नहीं सकती, माया कहाँ अकेले को पकड़ती है, माया पर ये भक्त बेकार है, तुमको नहीं अच्छा, ये पैसा चाहता है खाली, ये है वो है, हमें नहीं जाना। या फिर माया सबके लिए अपना अपना तरीका लाती है, सबके लिए उसका अपना अपना तरीका है, उसे पता है कौन किस वाली गुगली से बोल्ड होगा, किसको कौन सी बॉल डालनी है, तेंदुलकर खेल रहा है तो कौन सी डालनी है और दूसरा है तो कौन सा डालना है, उसे सब पता है। किसी को फोन में कुछ नहीं तो उसको नहीं बजती घंटी, है ना। जिस दिन हमने कहा ना कि जिसका मेरा फोन उस दिन उसमें था, साइलेंट में नहीं था, बजा ही नहीं। और दूसरे तरह से आता है ना, दूसरे तरीके से आता है, किसी को काम से प्रभावित है, कोई क्रोध से प्रभावित है, कोई ईर्ष्या से प्रभावित है। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ दो, मद मत्सर, पांच चीजों से ज्यादातर प्रभावित है। और सबसे बुरी हालत उसकी है जो मोह से प्रभावित है। क्यों? क्योंकि अगर कोई ज्यादा कामी है, लस्टी है, तो कुछ नहीं तो माता पिता भी कहें भाई अच्छी फिल्म देखा कर, है उधर मत जा, इधर मत जा, कुछ तो सोसाइटी वाले भी कहेंगे अरे इनका लड़का यहाँ कैसा है, कुछ तो है। कोई ज्यादा गुस्सा करता है तो लोग कहेंगे भाई गुस्सा कम करा कर, साधारण लोग कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। कोई ज्यादा ईर्ष्यालु है तो साधारण लोग कहेंगे यार इतनी क्यों जलता है तू, है ना, है नहीं। कोई लालची ज्यादा है तो लोग भी साधारण लोग आगे कहेंगे अरे इतना लालच क्यों कर रहा है यार। लोग आके गीता ज्ञान देखे जाते मूड पे लेके जाएगा क्या, सिर पे बांध के लेके जाएगा, इतना लालच मत करा कर। हर चीज के लिए साधारण जनता भी कुछ ना कुछ आपको उपदेश देगी, मना करेगी, लेकिन जब आप कहोगे ओ मुझे तो मेरे मम्मी से बहुत प्रेम है, तो कहेंगे कितना अच्छा बेटा है, मुझे तो मेरी पत्नी से बहुत प्रेम है, कितना अच्छा पति है, बस मोह में फंसा, है ना। अब मैं बताऊंगा तो रितेश कहेगा प्रभु जी आप मेरे बारे में दूसरी जगह जाके क्लास में बोलोगे। तो एक प्रभु जी है बेचारे, भक्ति करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि प्रभु जी मैं क्या करूं, मैं जब करता हूं तो मेरी पत्नी को बुरा लगता है, तो मैं सोचता हूं कि मेरी वजह से वो दुखी है, तो मैं जप नहीं करता। मैंने कहा जब आप जप नहीं करते तो कृष्ण आपसे नाराज है। तो प्रभु जी ये सब मत आप बोला करो, मैं क्या करूं है? तो वो परेशान है, तो मोह में आदमी सबसे ज्यादा फंसा है। तो भगवान के भक्तों का संग में हमें जाना चाहिए, जैसे भी हो भक्त के संग लें। संग में का मतलब होता है प्रीति। ऐसे तो आप बस में भी बैठे रहते हो तो वहां संग नहीं कह सकते उसे। बस में आप 70-80 लोग बैठे रहते हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट में 72 लोग सोए रहते हैं, है कि नहीं, तो इसे संग नहीं कह सकते। संग माने प्रीति हो। प्रीति के 6 लक्षण, ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति प्रच्छति भूमते भोजते चैवा षड्विध प्रीति लक्षण। इसमें पहले 3 घंटे का लेक्चर हो चुका है पिछली बार, शॉर्ट में बता देते हैं। भक्तों के संग में जाए ये 6 चीजें होनी चाहिए, तब हम समझेंगे कि हाँ यहाँ पे सत्संग है, ये प्रेम है भक्तों के बीच में। 6 चीजें, ददाति प्रतिगृहणाति, कुछ गिफ्ट देना, जब भी कोई भक्त हमें मिले उनको कुछ दें। एक्चुअली में ये ब्राह्मणिकल कल्चर है, वैष्णव कल्चर है, कि जब भी आप किसी से कुछ समय बाद मिले आप कुछ गिफ्ट दें, कुछ ना कुछ दें, है ना। तो कुछ गिफ्ट दें और कुछ गिफ्ट आपको मिलेगा। ददाति प्रतिगृहणाति, आप दें और प्रतिगृहणाति माने आप स्वीकार करें। ददाति प्रतिगृहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, आप उनसे सीक्रेट शेयर करें, वो आपको बताएंगे और आप उन्हें बताएंगे। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि सबसे बड़ा सीक्रेट तो है कृष्ण तत्व, तो कृष्ण तत्व की चर्चा करें। इसलिए जब भक्त लोग साथ में आते हैं तो जिन्हें कृष्ण तत्व के बारे में पता है वो बताते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वो पूछते हैं, वो अपनी समस्या बताते हैं और वो भगवद गीता भागवतम से उन्हें वो समाधान बताते हैं, कृष्ण कथा शेयर करते हैं। गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंते भोज्यते चैवा,
आप कुछ प्रसाद उन्हें दें, प्रसाद खाने का कुछ उन्हें दें और वो आपको दें, आप स्वीकार करें। ये छह चीजें भक्तों के संग में होनी ही चाहिए, ये नहीं है तो वो संग नहीं है। इस तरीके से भगवान शंकर भगवान के भक्तों के, कृष्ण भक्तों के संग की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और इसके बाद भक्ति की महिमा को बताते हुए भगवान जो है अपनी प्रार्थनाओं को, भगवान कंक्लूजन को क्या बोलते हैं, कंक्लूड करते हैं, ठीक है, कहते हैं कि हे प्रचेता गणों, है ना, आप लोग अपना इस तरीके से भक्ति कीजिए शुद्ध मन से, और ये जो प्रार्थनाएं मैंने आपको बताई हैं इनको बोलिए, इनको आप इन प्रार्थना इस रुद्र गीत, इसे कहते हैं रुद्र गीत जो भगवान शंकर ने भी बोला, इस रुद्र गीत को आप बार बार जप कीजिए, इस प्रार्थना को आप बोलिए और इस तरीके से आप भगवान की भक्ति कीजिए। भगवान हरि सबके हृदय में रहते हैं, उनका आप गुणगान कीजिए, उन पर ध्यान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए और इसको पढ़िए, इस पर चिंतन कीजिए, ठीक है, और अपनी बुद्धि को इस प्रार्थना में पूरी तरीके से लगा के इसको बार बार रिपीटेडली इसको आप जप कीजिए। कहते हैं कि ये जो है प्रार्थना है मुझे ब्रह्मा ने सिखाया था और वही चीज मैंने आज आपको बताया। अच्छा, एक चीज ये भागवतम में आप देखेंगे, जहां भी कोई किसी को कुछ ज्ञान देता है वो ये जरूर बताता है कि मैंने ज्ञान सीखा कहां से था, वो अपनी अथॉरिटी क्लियर करता है। जब मैत्रेय ने बताया तो पूरा बताया कि कहां, जब शंकर सर ने कुमारों को दिया, फिर ऐसे 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 करते करते मेरे गुरु ने मुझे बताया, है ना, सब श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए जब भगवत गीता एजिटेस दिया तो पूरे 32 आचार्यों की लिस्ट दी। इसलिए जब भी हम कहीं भी जाएं, कोई भी गुरु हो, पहले पता कर ले कौन इनकी अथॉरिटी है, तब विश्वास करें। यहां देखिए शंकर जी कह रहे हैं, भैया ये जो मैंने आपको सिखाया है, किसने मुझे सिखाया था, ब्रह्मा जी ने, ठीक है। तो हमेशा ये कनेक्शन वैलिडिटी होनी चाहिए कि जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो कौन सी सरकार से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। कहते हैं कि जो भी इस रुद्र गीत को बोलता है, सुनता है, वो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है। वो भगवान का भक्त बनेगा, उसको सब तरह की शुभ चीजें मिलेंगी, ठीक है। इस तरीके से ये रुद्र गीत यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रचेताओं के पिता प्राचीन बरी के पास नारद जी जाते हैं और प्राचीन बरी को एक अजीब सी स्टोरी सुनाते हैं पुरंजन की, जो कि एक 9 द्वार वाले शहर में रहता था, और उस स्टोरी को सुना के प्राचीन बरी को भक्ति का मार्ग सिखाते हैं और वो भी अपना प्रचेताओं को राज देके और वो अपना जो है जंगल की तरफ जाते हैं। इस तरीके से इस चतुर्थ स्कंद में हमने देखा कि उत्तानपाद, महाराजा अंग, पृथु महाराज, प्राचीन बरी, कई लोग, कई राजा, पूरे चतुर्थ स्कंद में कई राजा अपना अपना जो है राज्य करके अपने अगली पीढ़ी को कार्यभार देके भगवान की प्राप्ति के लिए जंगलों की तरफ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे चतुर्थ स्कंद कंप्लीट होता है। तो कौन कथा कर रहा था, ये किसे याद है, कथा कौन किसको सुना रहा था? शंकर जी ने तो प्रचेताओं को सुनाया, पर शंकर जी ने प्रचेताओं को सुनाया, ये किसने किसको सुनाया? जाए तो ये मैत्रेय विदुर संवाद चल रहा था, विदुर जी मैत्रेय से हरिद्वार में कथा सुन रहे थे। तो जब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब विदुर जी ने देखा कि जिसको देखो वही घर छोड़ के जा रहा है, उत्तान पर चले गए, ये कोई ऐसे नहीं थे फोकट वाले, माने कोई
जो बड़े बड़े राजा अपनी अगली पीढ़ी को सब कारोबार दिया और अपना भगवान की प्राप्ति के लिए गए, उत्तान पाद गए, ध्रुव, कई लोग सब एक ही करके चले गए, पूरा चतुर्थ स्कंद में इतने सारे राजा सब गए। तो विदुर जी को एक व्यक्ति की याद आई है ना, कि सब जा रहे हैं सिवाय एक के, कौन? उनका भाई जिसका नाम था धृतराष्ट्र। लो वही नहीं जा रहा है, वो धृतराष्ट्र, उसका नाम क्या है? धृतराष्ट्र, जिसने अपने राष्ट्र को पकड़ के रखा है उसे कहते हैं धृतराष्ट्र, जो छोड़ना नहीं चाहता। धृतराष्ट्र श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि महाभारत की पूरी लड़ाई का कारण ही धृतराष्ट्र था, क्योंकि उसको जो ये गद्दी मिली तो उसकी एक इच्छा थी कि ये ना छूटे मेरे से पास, इसलिए वो अपने स्वार्थ की वजह से, लोग भले दुर्योधन को दोष दे लेकिन वो दुर्योधन को क्यों सपोर्ट करता था? क्योंकि उसका उसमें अपना स्वार्थ था। तो अब लड़ाई हो गई, सब हो गया, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, सब होने के बाद वो उसी घर में रहता था, और युधिष्ठिर महाराज परम शुद्ध वैष्णव, वो भी अपने चाचा को पुराना सब भेदभाव छोड़ के उनको वैसा ही सम्मान देते थे एक राजा जैसा ही, रोज सुबह उठ के आते थे, प्रणाम करते थे गांधारी को, धृतराष्ट्र को। तो विदुर जी ने इतनी जब जैसा सुनते वैसी प्रेरणा मिलती है, तो विदुर जी तो वैसे ही अपना इतना अपमान उन्हें मिला था, पर उन्होंने तो उसे भगवत कृपा करके पूरा तीर्थों में घूम के आए थे, उनने कहा नहीं। अच्छा, वैष्णव का ये एक लक्षण होता है कि वो अपने मान सम्मान अपमान किसी की भी चिंता नहीं करता, कब? जब बात आ जाती है किसी के उद्धार की, किसी पर दया करने की। और श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं उपदेशामृत में कि सबसे बड़ी दया क्या है? किसी को भगवान के बारे में बताना। हमने कथा शुरू किया था कि गोपियां क्या कहती हैं गोपी गीत में, हमने याद है किसको याद है, पूरा निष्कर्ष निकाला है पूरे शास्त्रों के सेंटर में भागवतम, भागवतम के मेन जो अध्याय है दसम स्कंद, दसम स्कंद में सबसे मेन अध्याय है रास पंचाध्याय, रास पंचाध्याय में सबसे बीच में जो गोपी गीत, गोपी गीत के सबसे बीच में पूरी दाजना, जो भगवान के गुणगान दूसरों को बताता है वो सबसे बड़ा परोपकारी है, भूरी दाजना उसको कहते हैं। तो विदुर जी का हृदय, जबकि उसी धृतराष्ट्र, उसी दुर्योधन ने उनका इतना बड़ा अपमान किया था, जब दुर्योधन अपमान कर रहा था तो धृतराष्ट्र ने एक शब्द नहीं बोला, तो उनने सब भूल गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका उद्धार करने जाऊंगा, सब जा रहे हैं, ये अभी भी पकड़ा है, ये नरक में जाएगा। विदुर जी ने मैत्रेय को प्रणाम किया कि आप इतनी कथा काफी है, एक व्यक्ति है जिसका भी बहुत अर्जेंट है, उसको डायरेक्ट कहाँ गए? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जाते हैं, सब लोग इनका स्वागत करते हैं। एक दिन रात में इन्होंने मौका पाके धृतराष्ट्र के पास गए, बोले तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छा, ये सबसे ज्यादा ये जो ना कई जगह उपदेश हैं भागवतम में, घुमा फिरा के लोग समझाने की कोशिश करते हैं, पर इससे ज्यादा सीधा कहीं नहीं बोला गया। विदुर जी कहते थे शर्म नहीं आती? अरे कुछ सोचो यार, तुम कितने गिर गए हो गद्दी पे बैठने के लिए, कुछ तो शर्म करो। ये भीम जिसने तुम्हारे बेटों को 100 के 100 को गिन गिन के मारा, आज 13 आज 14 15 ऐसे गिन गिन के 100 के 100 मारे, उसके घर में रह के रोटी खा रहे, शर्म नहीं आती? यही द्रौपदी, इसके साथ तुमने भरी सभा में क्या क्या नहीं किया, आज उसके हाथ की बनाई रोटी खाते शर्म नहीं आती तुम्हें? इन्हीं पांडवों के घरों में आग लगाई तुमने, इनको मारने के क्या क्या प्रयास नहीं किए, छल से इनको बाहर निकाल दिया जंगलों में वनवास के लिए, आज उनके यहां बैठ के रोटी खाते तुम्हें शर्म नहीं आती? धिक्कार है तुम्हारे ऊपर, ऐसा तगड़ा प्रीचिंग कर दिया धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र कहता अभी चलो, अभी के अभी उसी समय रात में धृतराष्ट्र बोला चलो, कहां चलना है? बोले चलो मैं लेके चलता हूं। विदुर गए, धृतराष्ट्र गए, गांधारी बोली मैं भी चलती हूं, तीनों निकल गए। इस तरीके से बाद में धृतराष्ट्र ने तपस्या किया और ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति की।
विदुर जी को इस बात का खुशी थी कि नरक में नहीं गया, पर इस बात का दुख था कि वो उसको भगवत प्रेमी भक्त नहीं बना पाए, और फिर भी चलो नरक में तो नहीं गया। तो इस तरीके से चतुर्थ स्कंद में इस तरह से रचयिताओं की और ध्रुव महाराज की महाराज प्रभु की कथा है। इसके बाद अच्छा मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कथा बता रहे हैं, ऐसा कौन बता रहा है, किसको? सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, अब क्योंकि क्या हुआ ना, स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन चल रहा था तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, तो शॉर्ट में कह दिया कि एक अभी उत्तानपाद, उनके दो बेटे थे उत्तानपाद और प्रियव्रत, उत्तानपाद का इतना बड़ा वर्णन हुआ कि पूरा फोर्थ कैंटो चला गया। तो कहते हैं इनका दूसरा बेटा था प्रियव्रत, वो ब्रह्मचारी आश्रम में रहता था, बाद में उसने शादी कर ली, शादी करके उसने अपना राजवार संभाला और फिर भगवत धाम को गया। इतनी छोटी सी कथा, एक की इतनी बड़ी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं रुको रुको, ऐसा कैसे हो गया? ब्रह्मचारी आश्रम में था, नारद जी की आश्रम में, नारद जी ब्रह्मचारी बनाने के लिए फेमस है, कोई उनका ब्रह्मचारी लेके गृहस्थ बना दे ऐसा तो हमने सुना नहीं। तो ऐसा कैसे हो गया कि उनका बेटे ब्रह्मचारी बना, ब्रह्मचारी आश्रम में था, वैरागी का जीवन जी रहा था और गृहस्थ हो गया और फिर भी भगवत प्राप्ति किया? ये कुछ समझता नहीं मैंने, आप इसको डिटेल में बताइए। ऐसा भागवत में कई बार आता है, सुखदेव गोस्वामी शॉर्ट में करते हैं, परीक्षित महाराज के रुको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा सुखदेव गोस्वामी इसलिए करते हैं, ये स्रोत जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनकी उत्सुकता को जानने के लिए कि वो कितने इंटरेस्टेड है ना। सुखदेव को परीक्षित महाराज ने कई बार बोला कि आप चिंता मत करो मुझे भूख नहीं लगी प्यास नहीं लगी। कहते हैं परीक्षित महाराज एक जगह कहते हैं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि मुझे भूख प्यास लगी है, बिल्कुल भूख प्यास नहीं लगी। क्यों नहीं लगी कोई पूछ सकते हैं, क्यों नहीं भूख प्यास लगी कितने दिन से नहीं? बोले इसलिए प्यास भूख प्यास इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि आपके मुख कमल से जो भागवत रस रूपी अमृत जो गिर रहा है इसको पीने से मेरी सारी भूख प्यास। तो इसके बाद कहते हैं कि प्रियव्रत महाराज नारद जी के आश्रम में गंधमादन पर्वत पर रहते थे। तो प्रचेताओं की जो कथा हुई उनके पुत्र थे दक्ष। अब ये दक्ष जो भगवान शंकर का अपमान किए, बकरे का सिर लग गया, उसके बाद इन्होंने शरीर त्याग के दोबारा से ये प्रचेताओं के पुत्र बन के प्रकट हुए। तो ये अपना फिर से वो प्रजापति की शक्ति पाना चाहते थे तो तपस्या के लिए चले गए। अब ये चले गए तपस्या के लिए, राज्य संभालने के लिए नहीं था कोई। तो टेंशन हुई दादाजी को, किनको? स्वयंभू मनु को। स्वयंभू मनु ने कहा अब क्या करें, राज्य संभालने कोई नहीं, क्योंकि जब अच्छा राजा नहीं होता तो प्रजा में गड़बड़ होने लगती है ना, राजा पे सब निर्भर करता है। तो स्वयंभू मनु ने कहा चलो दूसरे बेटे से बात करें, प्रियव्रत के पास गए। प्रियव्रत ने कहा नहीं मेरे को तो नहीं जाना। तो बोले नहीं आपको जाना चाहिए, परिवार की जिम्मेदारी है उठाना चाहिए समझना चाहिए। तो इस तरीके से चर्चा चल रही थी तो नहीं मान रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी आ गए, अब उनके भी पिता आ गए कि भाई मान जाओ। तो समय को देखते हुए परिस्थिति को देखते हुए नारद जी ने भी आज्ञा दे दी कि ठीक है यही सही है ना। अब मनु 12 महाजनों में 3 यहां उपस्थित हैं, मनु ब्रह्मा नारद, इतने बड़े लेवल पे भी मीटिंग हो रही है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि फाइनली कंक्लूजन हुआ कि भाई इनको जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं मेरा आशीर्वाद है कि तुम माया में नहीं फंसोगे। तो इस तरीके से प्रियव्रत महाराज आए, उन्होंने विवाह किया और संतान उत्पत्ति की। उनके बेटे हुए महाराजा अग्निंद्र, अग्निंद्र ने पूर्व शक्ति से शादी की, इस तरह से उनका वंश प्रियव्रत महाराज का वंश आगे बढ़ा। महाराजा प्रियव्रत ने एक बार सूर्य को, सूर्य एक दिशा में चलता है
दूसरी तरफ अंधेरा हुआ तो महाराजा प्रियव्रत अपना रथ लेके, इतना उनका तेज निकालने वाला रथ था कि दूसरी दिशा में गए तो उस तरफ भी उजाला हो गया। तो जब वो रथ लेके निकले तो समस्त भूमंडल में जहां जहां भी वो गए रथ लेके, वहां वहां उनके रथ से जो चाक बना उससे 7 द्वीप बने। और इस तरीके से महाराजा प्रियव्रत ने भूमंडल को 7 द्वीपों में बांट दिया और जो रथ के चाक बने वो कहलाए 7 समुद्र। तो इसकी चर्चा 16वें अध्याय से पंचम स्कंद में आती है। उसके पहले महाराजा प्रियव्रत के वंश में एक बहुत बड़े भक्त कह सकते हैं, और वैसे भगवान के अवतार हैं, भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव इसी वंश में आते हैं और अपने पुत्रों को, भगवान ऋषभदेव बहुत लंबे समय तक राज किए बहुत अच्छे से, और फिर अंत में वो भी इस तरह का जीवन, वैरागी का जीवन अपना लेते हैं। और जाते समय उन्होंने अपने पुत्रों को शिक्षा दिया, उनके 100 पुत्र थे, सबसे बड़े थे महाराजा भरत। तो भरत, उन्होंने अपने सभी पुत्रों को शिक्षा दिया कि मैं जाऊंगा और आपको वही करना है जो आपका बड़ा बेटा करे, जो बड़ा बेटा बोले भरत उसके, क्यों, भरत सबसे बड़े भक्त थे भगवान के, शुद्ध भक्त थे, इसलिए ये भक्त ही कभी गड़बड़ नहीं करेगा, इनकी आज्ञा के हिसाब से आपको सबको चलना है भरत महाराज। और इन्हीं ऋषभदेव के 100 में से 1 पुत्र थे भरत, बाकी 9 नवयोगेंद्र हुए, वो आगे उनकी कथा आएगी। भरत महाराज बहुत बड़े भक्त थे और ऋषभदेव की शिक्षाओं में मेनली उन्होंने ये शिक्षा दिया कि किस तरह से आदमी को भौतिक जगत के जो मैं और मेरा, मैं ये शरीर हूँ, शरीर से जुड़े सब मेरे हैं, मेरे हैं, इस पे उन्होंने स्पेशली बोला है। इस पे हमने पहले एक बार डिटेल में कथा कर रखी, इसलिए हम इसको शॉर्ट में करके, इसके बाद महाराजा भरत ये बहुत प्रतापी राजा थे, इनके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा भारतवर्ष, नहीं तो पहले से अजनाभ वर्ष बोलते थे, इसे भारतवर्ष बोलते। तो इस तरीके से भरत महाराज अच्छे से राज्य किए। भरत महाराज ने बहुत सारे यज्ञ किए ये सिद्ध करने के लिए कि, भरत महाराज ने यज्ञ करके ये सिखाया कि सब लोगों को कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, है ना, और उनके शुद्ध भक्ति की वजह से सब अच्छे से राज्य में चलता था। समय आने पर भरत महाराज ने सारा राजपाट त्याग करके पुलय आश्रम में, गंडकी रिवर नदी के किनारे पुलय आश्रम में जाके अपना आश्रम बनाया, वहां पे एकांत में अपना भक्ति करते थे, वहां एकांत में भक्ति करते थे, यज्ञ करते थे, बहुत अच्छे से भक्ति चल रही थी। भरत महाराज जैसे बताया कि भक्ति में 8 स्तर होते हैं, सबसे टॉप पे है प्रेम, उसके नीचे भाव, तो भरत महाराज भाव की स्थिति में थे और वहां पे आराम से भक्ति करते थे। एक दिन अच्छे से भक्ति करने का, सुबह सुबह यज्ञ करने का प्लान कर रहे थे, उस समय देखते हैं कि नदी किनारे एक हिरण, हिरणी वहां पे पानी पी रही थी, और वो हिरणी पानी पी रही थी, उसने शेर की दहाड़ सुनी, और उस शेर की दहाड़ सुन के वो हिरणी डर के मारे उसी नदी में कूद गई और जंप लगाने की कोशिश करी, तो उसी समय वो गर्भवती थी तो बच्चा नदी में गिर गया और हिरणी मर गई। तो ये बच्चा नदी में बह रहा था, तो भरत महाराज ने देखा, वैष्णव है, दया का भाव आया, जाके उसको उठा लिए और उसकी जो देखभाल है वो करने लगे। बच्चा धीरे धीरे हिरण का बड़ा होने लगा और ये भी उसको खूब आराम से प्यार करते थे। अब कुछ समय पहले मैंने क्या बताया था, सबसे खतरनाक क्या होता है, मोह, क्योंकि उसमें समझता नहीं कि हम गड़बड़ कर रहे हैं। तो भरत महाराज को हो गया मोह, किससे, हिरण से, दुनिया छोड़ के आए हैं, हिरण से मोह हो गया, हिरण के बच्चे से। जहां देख, अब ये हवन करते थे तो हिरण की तरफ देख लेते थे, वो बच्चा, वो बड़ा होने लगा, अब ये वो नहीं मिलता था तो इन्हें बेचैनी सी होने लगती थी,
और ऐसे करते करते एक दिन वो हिरण्यगर्भ चला गया कहीं। अब वो चला गया तो ये बिल्कुल बेचैन हो गए, उसको ढूंढने लगे कहाँ गया। इतना तक कहते हैं कि वो तो उसको याद करते हो कैसे अपने खुर से मेरे सीने पे मारता था, कितना अच्छा लगता था।